नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट ऑनलाइन। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो क्या है, डेली वन लाइनर्स के नाम से। इसमें 5 से 7 क्वेश्चंस वन लाइनर्स के नाम से देखेंगे हम, जिसमें हम विद एक्सप्लेनेशन हमें चीज़ें कुछ समझ में आएंगी कि ये चीज़ें एक्चुअल में क्या होती हैं। केवल क्वेश्चन आंसर से परे ये चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हैं कि एक्चुअल में होती क्या हैं। मैं आपको मैक्सिमम जितने पॉसिबल हैं वीडियो साथ में लेकर के आऊँगा, वन लाइनर्स में लेकर आऊँगा, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, DSSB की सीरीज अलग से लेकर के आऊँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं दुनिया में, सारे के सारे एक युद्ध की तरह से हैं, और युद्ध हमेशा रणनीति से लड़े जाते हैं। और आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल फिलहाल चल रहे इंडो चाइना स्टैंड ऑफ से समझ सकते हैं। ये चीज़ें बेहतर समझ सकते हैं जो लोग मीडिया के टच में रहते हैं, डेली न्यूज़ के टच में रहते हैं, उनको पता है कि युद्ध कैसे लड़े जाते हैं। तो इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ए सेल, सेल क्या है। देखिए, सेल को हमेशा मैं अपनी क्लासेज में एक ही चीज़ बताता हूँ, सेल हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट है। किसके मामले में, स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी, और दूसरी चीज़ फंक्शन के फॉर्म में भी। स्ट्रक्चर और फंक्शंस के हिसाब से हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेल है। तो मैंने पढ़ाया था, जब केमिकल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो हमारी सबसे बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चर तो एटम है किसी भी स्ट्रक्चर की, लेकिन ये लिविंग नहीं है। एटम जो है वो लिविंग नहीं है, इसलिए हम एक टर्म और जोड़ते हैं, सेल जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जो कि यहाँ पर एक एनिमल सेल का हमने एक छोटा सा टिपिकल डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी एक पुरानी सेल से नई सेल्स कैसे बनती हैं। पुरानी सेल से नई सेल्स जो हैं वो सेल डिवीजन से बनती हैं। सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, सेल्स डिवाइड करके नई सेल्स बनाती हैं। और सेल डिवीजन जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है माइटोसिस, पढ़ेंगे हम इनके बारे में, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्रोमोजोम्स की नंबर जो है उतनी की उतनी रहती है, सेम रहती है, और मियोसिस में क्रोमोजोम्स की नंबर जो है हाफ रह जाती है। इसका मतलब माइटोसिस में एक सेल से दो नई डॉटर सेल्स बनती हैं, जबकि मियोसिस में एक सेल से, एक बार मियोसिस होता है दो सेल्स बनती है, फिर इनका माइटोसिस होता है और टोटल 4 सेल्स बन जाती है, और क्रोमोजोम्स की नंबर जो है वो आधी रह जाती है। तो सेल्स जो हैं वो डिवाइड करके क्या करती हैं, नई सेल्स बनाती हैं। इनका मकसद क्या है, नई सेल्स का मकसद क्या है बनने का, सेल डिवीजन का, कि किसी टिश्यू को रिपेयर करना एक चीज़, दूसरा सेल्स का नंबर बढ़ाना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम एंड डिस्क्राइब 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। देखिए, हमारी सेल के अंदर 3 मेन पार्ट्स हैं, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, जैसे प्लांट सेल की बात करें, 3 मेन पार्ट्स हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये एनिमल सेल का डायग्राम दिखा रखा है मैंने, और ये एक सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग दिखा रखी है ये रेड लाइन के साथ में। इससे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम इसको, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर मोस्ट सरफेस है। प्लांट सेल में ये चीज़ डिफरेंट हो जाती है। अगर हम प्लांट सेल का डिफरेंस अगर यहीं पर पढ़ें, तो प्लांट सेल में इसके भी बाहर एक लेयर और होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल्स में मिसिंग है। और ये प्लांट सेल में ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इस सेलुलोज को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए हमें, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स है तो सही, लेकिन डेवलप्ड नहीं है हमारे में, ये वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह से है, इसलिए हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेलुलोज को। दिस इज द रीज़न ओनली जो रुमिनेंट्स हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह हैं, जो क्या कर सकती हैं, उनमें अपेंडिक्स डेवलप्ड हैं और वो इसको क्या कर सकती हैं, इजीली डाइजेस्ट कर सकती हैं, ओके। सेल मेम्ब्रेन का सबसे मेन काम, इस सेल को दूसरी चीज़ों से, जो बाहर है इसकी दूसरी सेल्स हैं या इसके एनवायरनमेंट हैं, उनसे ये सेपरेट करती है, ठीक है। और तीसरी चीज़, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कि सेल मेम्ब्रेन जो हैं नेचर में कैसी हैं। सेल मेम्ब्रेन की नेचर है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, कुछ एक चीज़ों को ही अंदर बाहर आने जाने देती है। इसकी सेलेक्टिविटी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव
सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। हम इसकी SPM जो नेचर है इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, किसमें ऑस्मोसिस में जो इसकी बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। सेकंड पार्ट जो आता है इसका वो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या रोल है, क्या चीज़ है साइटोप्लाज्म? आप देखिए ये आपकी एनिमल सेल की ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है, समझ सकते हैं आप इस चीज़ को, यानी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी कुछ है वो क्या है साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में भी क्या है, देखिए मैक्सिमम चीज़ तो है लिक्विड, और इस फ्लूड को हम क्या बोलते हैं साइटोसोल बोलते हैं। इसके अलावा है देखिए सेल के ऑर्गेनल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपैरेटस है, वैक्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं साइटोप्लाज्म बनाती है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट जो सबसे मेन पार्ट है सेल का, मीन्स इक्विवेलेंट मेन पार्ट है, इसी के अंदर हमारी सेल का मैक्सिमम DNA पाया जाता है, और क्रोमोजोम्स भी यहीं पर हैं जहाँ पर DNA लगा होता है। DNA क्या है, जीन्स सेल्स की इंफॉर्मेशन को, यानी एक सेल से दूसरी सेल को, या एक जनरेशन से बेटर से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ए प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल सेल। अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैंने प्लांट सेल दिखा रखी है, ये एनिमल सेल दिखा रखी है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो एनिमल सेल्स में क्या है सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल्स में क्या है सेल मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट सेल्स में ये क्या है सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। दूसरी चीज़, प्लांट सेल्स ग्रीन है, किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, एनिमल सेल्स में क्लोरोफिल मिसिंग है, ये सबसे मना दूसरा बड़ा डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल इज सेलेक्टिव मेम्ब्रेन हाउ। हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, कैसे है मैंने अभी थोड़ा डिस्कस किया था और समझाया था, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है किसी भी एनिमल सेल की या प्लांट सेल की, वो कुछ एक चीज़ों को अंदर जाने देती है, कुछ एक चीज़ों को बाहर आने देती है, इसलिए ये सेलेक्ट करती है किस चीज़ को अंदर आने देना है और किस चीज़ को बाहर जाने देना, तो सेलेक्टिव परमिएबल है, इसलिए हम इसका नाम लिखते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, देखिए डिफ्यूजन भी इसी के अक्रॉस होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसी के अक्रॉस होता है, लेकिन ऑस्मोसिस में हम इसको बहुत ही बेटर तरीके से पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है, हाउ देम वाटर मूव इन ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस में पानी कैसे मूव करता है, मैं आपको इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अलग डायग्राम करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर ऑस्मोसिस की तीन कंडीशन है, कोई आपको पूछे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ वीडियो, आप ऑफलाइन में डाउनलोड करके इसको और हमेशा बार बार देखिएगा ताकि चीज़ें आपके दिमाग में चिपके रहें। देखिए नर्सिंग का बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, आप एक बार में चीज़ें याद करके ये इंश्योर नहीं कर सकते कि अब मुझे लाइफ टाइम चीज़ें याद रहेंगी, नहीं, कोई हो ही नहीं सकता ऐसे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी IQ चाहिए उसके लिए, तो आपको चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ेंगी। ऑस्मोसिस का सिंपल मीनिंग अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको उसको डेफिनेशन रट के नहीं बतानी है, ऑस्मोसिस क्या चीज़ है, इसकी तीन कंडीशंस हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस आप ज़िंदगी भर याद रखिएगा, कोई नहीं बताएगा आपको ऐसी चीज़ें। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, इसमें केवल वॉटर मोलिक्यूल्स मूव करते हैं, पहली कंडीशन, इसमें केवल वॉटर मोलिक्यूल्स जो हैं मूव करते हैं। वाटर देखिए किसी सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर किसी सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट पार्ट जो है जिसमें घुलती है कोई चीज़ उसको हम वाटर कहते हैं, तो वाटर केवल मूव करता है इसमें। सेकंड कंडीशन क्या है, ऑस्मोसिस में जो वाटर मूव करता है वो केवल SPM यानी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही मूव करेगा, ये मोटर का मूवमेंट जो है वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही होना चाहिए, तभी हम इसको ऑस्मोसिस बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। तीसरी चीज़, इस वाटर की जो मूवमेंट है वो कहाँ किधर से किधर को होती है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, नोट कीजिएगा, मत सोचिएगा कि गलत बोल रहा हूँ, वाटर जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है इसका मतलब वही क्या है, और SPM के अक्रॉस मूव करता है तो वही ऑस्मोसिस है। देखिए छोटे से डायग्राम से समझाता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये
ये पानी है इसके अंदर मान लीजिए शुगर का सॉल्यूशन भर दिया या आपने नमक का सॉल्यूशन भर दिया, और इधर क्या है ज़्यादा कंसंट्रेशन है, इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। और लेवल देखिए बराबर रख रखा है हमने, लेकिन देखिए अब पानी का लेवल आप मत समझिए कि इधर पानी का लेवल ज़्यादा है, मैंने देखो दोनों तरफ में लेवल दोनों बराबर ही दिखा रखे हैं, लोअर कंसंट्रेशन मैंने इधर दिखाई है, हायर कंसंट्रेशन मैंने इधर दिखाई है, तो वाटर जो है हमेशा और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिखाई है। तो देखिए तीनों कंडीशंस यहाँ पर पूरी हो रही हैं कि SPM की प्रेजेंस यस, वाटर मोलिक्यूल हैं, अब कंसंट्रेशन मैंने दिखा दी लोअर और हायर दिखा दी है, वाटर का मूवमेंट जो है वो किधर होगा, लोअर टू हायर होगा हमेशा। तो आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन समझिएगा, हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं SPM के अक्रॉस मूव करते हैं और लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, यही कंडीशन है किसकी, ऑस्मोसिस की, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने बेटर तरीके से समझा रखा है, लेकिन आपको भाई मैंने जो ब्लैक बोर्ड पर समझाया है वो और भी बेहतर तरीके से है। केवल आप ऑस्मोसिस की तीन कंडीशंस पढ़िएगा, पहली कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, दूसरी कंडीशन में SPM के अक्रॉस है, तीसरी कंडीशन में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन है। नहीं भूलिएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन जिसमें कि SPM की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑस्मोसिस इज डिफरेंट। ओके, सेंट्रोसोम इन ए सेल आर इंपॉर्टेंट फॉर, किसी भी सेल में सेंट्रोसोम की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सेल, ये न्यूक्लियस, यहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कि किसी भी सेल के सेल डिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना सेल डिवीजन नहीं हो सकता। हमारी बॉडी की नर्व सेल्स में ये सेंट्रोसोम जो है वो मिसिंग है, नहीं होता, इसलिए नर्व सेल्स डिवीजन नहीं करती हैं, सेल डिवीजन नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैजिला आर फाउंड इन विच सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी की कौन सी सेल्स में फ्लैजिला पाए जाते हैं, हमारी बॉडी की एकमात्र सेल है कौन सी, स्पर्म्स, स्पर्म्स के अंदर जो इसकी टेल है दैट इज फ्लैजिला, और ये इस टेल की वजह से क्या करता है, तेजी से मूव कर पाता है, ताकि ये जाकर के मूव करते हुए ओवम को फर्टिलाइज कर पाए, फ्यूजन से फर्टिलाइज कर पाए, फर्टिलाइज करके फ्यूजन कर पाए, तो यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, स्पर्म सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ, राइबोसोम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, राइबोसोम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब देखिए आप डायग्राम में राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पर हैं, राइबोसोम्स ये देखिए जो दाने दिखा रहे हैं रेड 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 इन जाल इन नलियों पर जो ये ना ये क्या होती हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से हम इनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्या सेल के अंदर और कहीं भी राइबोसोम्स हैं, देखिए यही दाने देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म में फ्री भी पड़े हुए हैं, यस यहाँ पर भी हैं, इसके अलावा डायग्राम में दिखा नहीं रखे हैं लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स मेनली सेल के अंदर एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, तीसरा साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री भी पड़े हुए हैं, इनका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। यहाँ पर देखिए एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और है जिनके ऊपर ये क्या है राइबोसोम्स नहीं है, इनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताया मैंने अपने क्लासेज में अच्छे से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करती हैं, ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं, बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक एलिमेंट आ गया है सब्सटेंसेज आ गए हैं उन्हें बॉडी से रिमूव करने का काम करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हम नर्सिंग स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेज गूगल मीट पर डेली नाइट में 9:30 to 11:15 रन करते हैं, जो भी कोई इंटरेस्टेड हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट या व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 5-7-10 क्लासेज आप डिमो क्लासेज के रूप में ले सकते हैं, अगर आप हमारी क्लासेज को वर्दी पाते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी देन कंटिन्यू, अदरवाइज आपको कोई हरासिंग टेक्स्ट व्हाट्सएप और कॉल्स नहीं मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालते हैं आप तक अपडेट सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू।